Assalamualaikum. Hanji ji, today is our lecture on termination of pregnancy. I'm Dr. Amna Aslam, AP Gynae Department, Avicenna Medical College. स्लाइडली चेंज हो रही थी, इसको बीच पे से ऑफ करेंगे कैसे जाएगा? अब वो तो हो रही है, इसको यहाँ से हटाए ना, मैं तंग हो रही हूँ. अच्छा जी, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी जो टर्म है, अब मेरा ख्याल है कि यू वुड बी फैमिलियर विद इट, क्योंकि हमने पूरी ऑप्स ख़त्म कर ली है एंड नाउ वी आर स्टडिंग गायनी. तो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मिस कैरेजेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. जो मिस कैरेजेस हैं उनकी डेफिनेशन में वी से एज के फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन till the 24 weeks of pregnancy is jo pregnancy hai, that is if terminated called the miscarriage. Agar pregnancy continue rehti hai beyond 24 weeks of gestation, so that is not miscarriage. Wo usme further proceeding towards the term pregnancy. Lekin agar jo conception se leke 24 weeks tak pregnancy hai wo early pregnancy mein aati hai. 14 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है एंड देन आफ्टर 14 टिल 27 वीक्स जो है दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर. लेकिन हम इसको 24 वीक्स तक लेते हैं अकॉर्डिंग टू द WHO डेफिनेशन. सो इफ वी टर्मिनेट द प्रेगनेंसी टिल 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इफ द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड टिल 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, इंडक्शन ऑफ मिसकैरेज और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. There are many reasons for which this induction of abortion or termination of pregnancy can be done. Like, abhi hum thoda sa iske outline le lete hain. If there is any physical or mental such a physical or mental health of the patient which could be deteriorated by the continuation of pregnancy. If there is any mental or physical condition of the patient that could be deteriorated by the continuation of the pregnancy, so that is one of the indication jisme aap pregnancy ko terminate kar sakte hain. Similarly, if the baby is having any type of the anomalies, wo structural anomalies bhi ho sakti hain, wo congenital anomalies bhi ho sakti hain. If the patient is suffering from any type of infections or we are suspecting ki any type of congenital abnormalities can be occur, could have been occurred because of these infections, it is also one of the indication for termination of pregnancy. Termination of pregnancy is not legalized in our part of the country because we are Muslims and our religion is Islam, and it is not justified in Islam in any condition except if there is the threat to the mental and physical health of the patient. Iske alawa koi aisi condition nahi hai ya bahut sui kism ki congenital abnormality which is not compatible with life, and after discussion with one or two practitioners unka combined agar decision hai to aap isko terminate kar sakte hain. अच्छा जी, उसमें फिर जो है वो ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ तरह के जो उल्मा हैं उन्होंने फतवे दिए हुए हैं कि जी आप कितने वीक से प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं और किसके बाद नहीं कर सकते हैं. अभी हम जो आपको थोड़ा सा एक सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ. वी विल डिस्कस अबाउट दी लॉज ऑफ एबॉर्शन क्या हैं बाहर के मुल्कों में, ख़ासतौर पर हम इंडिया की बात करेंगे बिकॉज इट इज़ अवर नेबरिंग कंट्री. वहाँ पर क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उस पर एक एक्ट बनाया गया है. सिमिलरली अमेरिका में, यूके में, बाहर की जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं, दे हैव लीगलाइज्ड एबॉर्शन और दे हैव स्पेशलाइज्ड प्लेसेस
और उसमें कंडीशंस लगाई गई हैं कि सिर्फ वहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है एंड ओनली द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन डू इट. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन नहीं हो रही है प्रेगनेंसी की. द रेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन पाकिस्तान इज़ वेरी हाई, लेकिन ये अंडर हैंड होती है, इट्स नॉट ओपन. और ये कौन करती हैं? जितनी दाइज हैं जो इसमें काम कर रही हैं गांव में, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो आर नॉट क्वालिफाइड एनाफ टू डू दिस थिंग, वो ये काम करती हैं अंडर सेप्टिक कंडीशंस, क्योंकि ए सेप्सिस तो वो मेंटेन नहीं कर सकती, स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकती इंस्ट्रूमेंट्स का, रिजल्टिंग इन सेप्टिक इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. एंड वी हैव रिसीव्ड मेनी पेशेंट्स इन एमरजेंसीज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग एज वेल एज आफ्टर ट्रेनिंग ड्यूरिंग एवरीसीना कॉल्स पे, जिसमें पेशेंट्स आपके पास सेप्टिक इंड्यूस्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री के साथ आती हैं एंड देन दे प्रोसीड टू सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक, रीनल फेलियर एंड देन फाइनली टू डेथ. तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इसको लीगलाइज कराने की थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट बातें कर कर के. उसमें बीच में एक चीज़ आई थी MVA, दैट इज़ अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर. अभी मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगी और आप नेट पे भी जाके MVA के नाम से सर्च कर सकते हैं कि जी MVA हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है एंड इट कैन बी डन विदाउट एनेस्थीजिया. और आप प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को एस्पिरेट कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ एनेस्थीजिया टिल 7 to 9 weeks of gestation. और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह वी कैन अवॉइड मैनी जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं जिसमें यंग पेशेंट्स की डेथ्स हो जाती हैं. बट समहाउ और द अदर बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इम्पोज इट. ये लीगलाइज नहीं हो सकता. तो इस वजह से मैं आपको इंडिया का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी कि वहाँ पर किस तरीके से ये काम हो रहा है. तो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन क्या है? दैट इज़ अ डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द वायबिलिटी ऑफ फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. वायबिलिटी ऑफ फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. और हम वायबिलिटी कैसे कहते हैं? आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन द बेबी इज वायबल. बाहर के मुल्कों में इट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ टू 20 वीक्स है. अमेरिका में नाउ इट्स 20 वीक्स है, लेकिन स्टिल जो WHO की डेफिनेशन है फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए दैट इज स्टिल 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. सो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन है बिफोर द वायबिलिटी ऑफ फीटस. इंड्यूस्ड अबॉर्शन कैन बी लीगल और इलीगल. हमारे यहाँ इलीगल और क्रिमिनल है, बाहर के मुल्कों में लीगलाइज्ड है. अप अंटिल द MTP एक्ट वॉज पास्ड, MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज पास्ड, प्रूविंग अबॉर्शन रिमेन्ड पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ. इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू अबॉर्शन प्रोसीजर देयर वॉज पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. ठीक है जी, 10 साल की वहाँ पे पहले जो है वो इम्प्रिजनमेंट की जाती थी और साथ जो है और उसमें मॉनिटरी फाइन भी किया जाता था. इन इंडिया अबॉर्शन वॉज लीगलाइज बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इन्फोर्स इन 1972 एंड प्रोविजंस वर रिवाइज्ड इन 1975. तो इन 1971 उस पर पूरा एक लॉ बन गया, फिर उसको 1972 में इन्फोर्स कर दिया गया आफ्टर इट्स लीगलाइजेशन. Now, since legalization of abortion in India, deliberate induction of abortion by a registered medical practitioner in interest of mother's health and life is protected under the MTP Act. I have just talked about कि इसमें क्यों legalize कर दिए हैं, इसकी justification क्या दी है. It's in the best interest of the mother's health. अगर आप इसको terminate नहीं करेंगे तो she will go to some LHV. दाई जो कि अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास चली जाएगी और वहाँ से अंडर सेप्टिक कंडीशंस टर्मिनेट कराएगी, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ कैन भी हो सकती है, कुड बी इन जियोपार्डी एंड शी कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया है अंडर द MTP एक्ट. जस्टिफिकेशन उसकी ये दी गई. अब उसके एम्स क्या हैं? वॉट आर द एम्स ऑफ दिस मेडिकल टर्मिनेशन प्रोसीजर एक्ट? एम्स टू इम्प्रूव द maternal health scenario by preventing large number of unsafe abortions and consequent high incidence of maternal mortality and morbidity. मैंने repeatedly आपको ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने legalize इस वजह से कर दिया है to prevent illegal or septic induced abortions so that those women who want to get rid of the pregnancy or those who have unwanted pregnancies
or those whose health would be in jeopardy because of the continuation of the pregnancy, wo is pregnancy ko terminate karwa sake under the legal acts. And so because of this, or by this, by doing this, we can prevent the maternal mortality and morbidity. It legalizes abortion services. Actually, there are many centers have been placed in India jahan pe kaam kiya jata hai, promotes access to safe abortion service to women. And decriminalizes the abortion seeker. So though that woman who is seeking the termination of the pregnancy, she's not a criminal, she can do it on her will. Offers protection to medical practitioners who otherwise would be penalized under the Indian Penal Code. Legal framework scheme. Now what they have made the rules and regulations to prevent any type of the catastrophe. MTP Act kya hai and she lays down when and where pregnancies can be terminated. They have to decide. They have decided ke when and where the pregnancy would be terminated. Uska kya solution kiya jaye, kaun se aise centers banaye jayenge, ya hospitals ko allocate kiya jayega, ya alada se medical services provide kiye jayenge, medical centers banaye jayenge jahan pe this procedure can be done. It grants the central government power to make rules and the state government power to frame regulations. MTP rules lays down who can terminate the pregnancy, training requirements, approval process for place and etc. Means it is not possible for each and every doctor to go and start doing the termination of pregnancy. He or she has to go through a training procedure. He or she has to get a certificate for that. He or she should have the training equipment, training requirements should be fulfilled. Him approval process for place, agar usne apne ko personal jagah banayi hui hai, apne ko uski private place hai, to it should be approved by the government. Or MTP regulations may lays down forms for opinion, maintenance of records. All the records should be maintained aur phir baad mein unki audit kiya jata hai. Custody of forms and reporting of cases. They have to keep a record of all those cases who have come for this termination of the pregnancy, and they have to report these cases to the central government. They are obliged to obey this rule. Legal abortions. Abortions are termed legal only when all the following conditions are met. When they can be said, we can say that it is legalized. Termination done by a medical practitioner approved by the act. अभी बात की है that he or she should be first of all a registered medical practitioner. He should be MBBS. He or she should have done at least 6 months or 1 year की house job की हो, or he or she has taken training of gynae and obs, और या वो FCPS उसमें post graduation कर चुका हो या MCPS कर चुका हो, उसके पास वो degree होनी चाहिए. So only a qualified जो person है वो इस act के तहत जो है वो termination कर सकता है. Termination done at a place approved under the act. और ये भी मैंने आपको अभी हमने बात की है कि ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिसकी गवर्नमेंट की जो है वो लोग आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो उस पूरी जगह के इंस्पेक्शन करते हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, और उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्रूव किया जाता है इस टर्मिनेशन के लिए. टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशंस एंड विद इन द जेस्टेशन डिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट. सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसमें आप टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं. अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंपाइल्ड विद, और सिमिलरली अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको पूरा कंपाइल किया गया है. व्हेन कैन द प्रेगनेंसीज बी टर्मिनेटेड. अब हमें ये डिसाइड करना है कि टिल हाउ मेनी वीक्स द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड. अब अभी सब इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको रिपीटेडली कह रही हूँ कि इन आवर पार्ट ऑफ द कंट्री सिर्फ ऐसी दो तीन कंडीशंस हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं. देयर इज़ नो सच रूल इन पाकिस्तान. हमारे पास अगर ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आती हैं कि जी वी हैव अनवांटेड प्रेगनेंसी, या वी वर यूजिंग एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन और अब प्रेगनेंसी हो गई है, और या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, सिजेरियन हुआ है, अभी 2 महीने का बच्चा है और फिर दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है, एंड यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रेगनेंसी, तो हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि जस्ट हम उनको काउंसिल करते हैं अच्छी तरह से कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो कि इनफर्टाइल हैं एंड दे वांट टू हैव बेबी और उनका बच्चा नहीं होता. अगर अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड,
और इसकी कदर करें एंड कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी. जहाँ पे आपके इतने से और बच्चे हैं तो वहाँ पे इस प्रेगनेंसी को भी कंटिन्यू कर लें. और उसके लिए हम आपको पूरा केयर प्रोवाइड करेंगे. हमारे पास आप एंटीनेटल चेकअप के लिए आते रहें. सो वी डू लॉट ऑफ काउंसलिंग ऑफ दोज पेशेंट्स, पेशेंट की और उसके हस्बैंड की दोनों की काउंसलिंग, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके दैट इट इज़ एन इलीगल एक्ट और इसको आप कंटिन्यू कर दें. और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसीजर ऐसा यूज करें टू अवॉइड द प्रेगनेंसी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दिस बेबी. अच्छा जी, प्रेगनेंसीज कब टर्मिनेट हो सकती हैं? अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. सो इंडिया हैज जस्ट मेड अ रूल के अप टू 20 वीक्स जो है प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ द वुमन. इफ द वुमन इज बिलो 18 ईयर्स और इज मेंटली इल, देन विद कंसेंट ऑफ अ गार्डियन. इफ शी इज अ यंग लेडी और यंग गर्ल है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और शी इज नॉट मेंटली एबल टू मेक एनी डिसीजन और टू गिव कॉन्सेंट है, तो फिर हम गार्डियन का जो है वो कॉन्सेंट लेते हैं फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए. और एक रिटर्न कॉन्सेंट होता है आफ्टर डिस्क्राइबिंग दैम ऑल दी शेप, आफ्टर टेलिंग दैम ऑल द रिस्क एंड बेनिफिट्स. With the opinion of a registered medical practitioner formed in good faith under certain circumstances. With the opinion of a registered medical practitioner, और अगर जो है formed in good faith under certain circumstances, still अगर कुछ ऐसी conditions हैं in which one or two medical practitioners जो हैं they can decide कि वो ये pregnancy जो है वो terminate कर सकते हैं. Opinion of a single RMP for termination up to 12 weeks. ठीक है जी. So if the pregnancy is of 12 weeks of gestation, to usme just the opinion of a single RMP, that is a registered medical practitioner, is required. Lekin agar pregnancy is more than 12 weeks of gestation, and that is between 12 and 20 weeks of gestation, then the opinion of two registered medical practitioners are required. Ek doctor ye decision nahi kar sakta ki kya is pregnancy ko terminate kar dena chahiye ya nahi karna chahiye. One doctor gives his or her opinion, और उसके बाद एक सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लिया जाता है कि पेशेंट की ये कंडीशन है, दीज आर द सर्कमस्टांसेस, और आप बताएं कि जी क्या इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पेशेंट की फेवर में है या नहीं है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स, एंड सही बात है कि उनके अपना रिलीजन है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद भी उसको नहीं मानते कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने भी कुछ लॉज ऐसे बनाए हैं कि जी आप कम से कम दो RMPs जो हैं उनकी ओपिनियन ले लें और फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का फैसला करें. सोशल इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती है? सोशल इंडिकेशंस में दिस इज ऑलमोस्ट होल इंडिकेशन टू प्रिवेंट ग्रेव इंजरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेगनेंट वुमेन. दिस जो कंडीशन है ये हमारे पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है. इफ देयर इज अ थ्रेट, if there is a threat to the physical and mental health of a pregnant woman, aur uske baad aapka khayal hai ki agar pregnancy continue rehti hai to she will be medically physically ya mentally handicap ho jayegi bilkul, and she is not in a position ki wo bacche ko look after kar sake, so it is one of the indication ki aap pregnancy ko terminate kar sakte hain. So pregnancy is caused by rape, both in case of major and minor girl and in mentally imbalanced woman. So if the pregnancy has occurred because of the rape, that is the unwanted sexual intercourse hai. Major ka matlab hai 18 years or above, aur minor ka matlab hai less than 18 years of age and in mentally imbalanced woman. In do conditions mein agar jo patient hai ya jo bachchi hai उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, टू अवॉइड द फिजिकल एंड मेंटल डिटीरियरेशन है, वी कैन गो फॉर टर्मिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, इफ द प्रेगनेंसी है, लेकिन हमारे यहाँ ये जस्टिफाइड नहीं है. मैं रिपीटेडली इसलिए कह रही हूँ, आपको पढ़ाने का सिर्फ ये मकसद है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है और उसको किस तरह से लीगलाइज किया गया और उसके टर्म्स और कंडीशन क्या है. सो In 80% of the cases, it is limited to Paris women having unplanned pregnancy with low socio-economic status. So, in 80% of the cases, ये कौन सी खवातीन होती हैं who have more kids हैं, चार हैं, पांच से ज़्यादा बच्चे हैं,
और एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है, दे डिडंट वांट एनी प्रेगनेंसी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आके कहती हैं ओपीडी में कि जी बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा है, हमारा अभी सिजेरियन हुआ या पहले 3 या 4 सिजेरियन हो चुके हैं और अभी मैं प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, या वो कहती है कि वी वर यूजिंग द कपल वाज प्रैक्टिसिंग सम टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसलिए ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाए। और ये बात ठीक है कि 80% ऑफ दीज वुमेन जो हैं दे बिलोंग टू द लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, यूजेनिक इंडिकेशंस क्या हैं? प्रोविजन ऑफ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस मेंटल एंड फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज, प्रोविजन ऑफ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस मेंटल एंड फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज सो एज टू बी हैंडीकैप्ड इन लाइफ। सो दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या इश्यूज के, थ्रेट टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर या थ्रेट टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द बेबी इफ ही और शी विल बी बॉर्न। अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो इतना ज्यादा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड होगा कि इट विल बी अ बर्डन ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, या पेरेंट्स के लिए एक बर्डन होगा और फिर आप उसको टर्मिनेट कर दें। ये चीज हमारे यहाँ जो है वो एप्लीकेबल है। ऐसा बच्चा हमें लगता है कि जो उसकी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और या पेरेंट्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी एक ऐसा बच्चा है जो कि इफेक्टेड है, डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है, और वो चाहते हैं कि जी हाइड्रोकेफेलिक एक बच्चा है, कंसेंग्रस मैरिजेस हैं, फैमिली मैरिजेस हुई हैं बहुत ज़्यादा जिसमें रिपीटेडली ये इसकी रिकरेंस के चांसेस एनोमलीज के ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आते हैं और जो कहते हैं कि जी हमने पहले भी बड़ा मसला हो गया, पहले भी बच्चा हमारा ऐसा है और हम बड़ी मुश्किल से उसको पाल रहे हैं, बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल ले लेके भागते रहते हैं हर वक्त, तो अब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, अगर इसमें कोई मसला है तो आप इस हमल को ख़त्म कर दें। तो स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज में क्या हो सकता है जी, एनेनकेफली है जिसमें स्कल नहीं बना होता, सॉरी जो है वो ब्रेन उसका नहीं होता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में डाउन सिंड्रोम हो सकता है जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज हैं लाइक हीमोफीलिया एंड एब्नॉर्मलिटीज इन फीटस। अदर फिजिकल या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिसमें हाइड्रोकेफेलस है, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, तो इनको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। फीटस लाइकली टू बी डीफॉर्म्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स और रेडिएशन एक्सपोजर इन अर्ली प्रेगनेंसी। आप में से जो लोग वार्ड में आए हैं गायनी के, उनको जब हिस्ट्री लेनी सिखाई जाती है तो वी स्ट्रेस ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री में ये स्ट्रेस किया जाता है रिपीटेडली कि आपने हिस्ट्री पूछनी है कि इफ देर इज एनी हिस्ट्री ऑफ फीवर फ्लू और रैश, If there is an history of fever, flu or rash, flu तो कभी भी हो सकता है, पूरी प्रेगनेंसी में हो सकता है, उसको मल्टीपल टाइम्स फ्लू हुआ हो, और फीवर भी हो सकता है, बुखार फ्लू की वजह से हो ही जाता है, लेकिन अब उसमें पर्टिकुलरली रैश के बारे में क्यों कंसर्न्ड इतने ज़्यादा? बिकॉज जितने वायरल इन्फेक्शन हैं वो उनके साथ एसोसिएटेड रैश होता है जिसको हम टॉर्च के इन्फेक्शन कहते हैं। टॉर्च में टॉक्सोप्लास्मोसिस, रूबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स और इनके इन्फेक्शन आ जाते हैं। When these infections occur, they are always associated with a particular rash. तो हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है कि जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट की एसोसिएटेड रैश की हिस्ट्री थी, सो दैट वी कैन डू एन एनोमली स्कैन हम कर सकते हैं टू फाइंड आउट इफ द बेबी इज हैविंग एनी टाइप ऑफ द कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज और नॉट। या माँ ने अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दवाइयाँ ली हैं, कोई ड्रग्स ली हैं जिनके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं। टेराटोजेनिक का मतलब होता है दोज ड्रग्स जिनके बच्चे के स्ट्रक्चर्स के ऊपर एबनॉर्मलिटीज के इफेक्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बेबी बिकम्स एबनॉर्मल, उसमें कोई डिफॉर्मेशन हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल। या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, अगर जो खातून है वो किसी ऐसी जगह पर काम कर रही हैं जहाँ पर रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से आपका ख्याल है कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल हो गया, उसमें आप टर्मिनेट कर सकते हैं, जस्टिफाइड है। कोई ऐसे ड्रग्स ले रही है, ड्रग्स में आपको एग्जांपल देने लगी थी, इफ द पेशेंट इज जो है वो एपिलेप्टिक है और वो ले रही है ड्रग्स, सोडियम वैलप्रोएट एसिड ले रही है, सोडियम वैलप्रोएट जिसे भी कहते हैं, या फिर आपके पास जो है वो इसी तरह कार्बामेज़ेपीन
फिनोबारबिटोन या फिनिलामीन इस तरह की कोई ड्रग्स वगैरह ले रही है. दीज ड्रग्स हैव क्रिमिनल इफेक्ट्स ऑन बेबी. जो सोडियम वेलप्रेट था ये बहुत बहुत क्रिमिनल ड्रग है. वी कैन नॉट स्टॉप इट. लेकिन उसकी डोज आप मिनिमम पे लेके आते हैं. अगर इफ यू हैव आपने जो ऑप्स के मेडिकल डिसऑर्डर्स पढ़े थे उसमें आपको ये बताया गया था कि जो एपिलेप्सी है उसमें हम ड्रग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. बट द पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन मिनिमम डोज ऑफ अ ड्रग एंड शी शुड बी पुट ऑन मोनोथेरेपी. एक सिंगल ड्रग पे उसको शिफ्ट करें और पॉलीथेरेपी से मोनोथेरेपी पे शिफ्ट करें और मिनिमम डोज ऑफ द ड्रग पे ताकि उसका मिनिमल इफेक्ट हो. स्टिल पेशेंट एंड हर हस्बैंड शुड बी काउंसल्ड रिगार्डिंग द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स ऑन द बेबी. और उनको बताया जाता है कि अगर हम इफ यू स्टॉप दीज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं तो इट कैन हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द पेशेंट. अगर उसको रिपीटेड फिट्स पड़ते रहेंगे पेशेंट को इस्कीमिक अटैक्स हो सकते हैं, ब्रेन में इस्कीमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और ये इस्कीमिया की वजह से बच्चे को भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है फॉर दैट मोमेंट जिसमें उसका फिट पड़ा होता है. तो ये जो हाइपोक्सिक इवेंट्स हैं बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं. तो इसलिए हम ड्रग्स स्टॉप नहीं कर सकते हैं. द ड्रग्स हैव टू बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. लेकिन उससे ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं. सोडियम वेलप्रेट से कार्डिक एबनॉर्मलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी है जिसमें स्पाइना बाइफिडा का डिफेक्ट है, एनेनकेफी हो सकती है, हाइड्रोकेफेलस हो सकता है और जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है. So there are many abnormalities that can be caused because of these drugs. Lekin problem ye hai ki aap in drugs ko stop nahi kar sakte. Sirf ek condition hai ki if the patient is fit free for the last 2 years. Ek epileptic patient hai who has been on drugs for many many years and now she is fit free for the last 2 years. To aap drug ko stop kar sakte hain. Lekin after the counseling of the patient and her partner aur consent lene ke baad, written consent lene ke baad. And explaining them all the risks and benefits, और जो जो उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं एक्सप्लेन करने के बाद कि जी हम अभी ड्रग बंद कर रहे हैं, आपको फिट्स भी दोबारा पड़ सकते हैं किसी भी वक्त भी, और बच्चा जो है उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है फिट्स के पड़ने की वजह से. तो ये सारा कुछ डिस्कस करके किया जाता है. रूबेला एंड वायरल इन्फेक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये मैंने बात कर दी है कि जितने वायरल इन्फेक्शन हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रेस करते हैं ऑन टेकिंग द हिस्ट्री. ये जी आप प्रॉपर हिस्ट्री लें पेशेंट से, पूछें रिपीटेडली कि कोई फीवर फ्लू और रैश की हिस्ट्री तो नहीं है, टू कंफर्म कि एनी हिस्ट्री ऑफ द वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है. और उसके बाद फिर हम एनोमली स्कैन करते हैं 20 वीक्स पे सो दैट द पेशेंट शुड बी काउंसल या जो पेरेंट्स हैं दे शुड बी काउंसल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. अच्छा जी, अबॉर्शन हैज बीन लीगल इन द यूएसए सिंस दिस फेमस केस 1973. नो डॉक्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन अबॉर्शन. No doctors required. उन्होंने वहाँ पे जो है वो midwives have been trained. और जो midwives अभी जो पहले हमने बात की है वो हमने इंडिया की बात की है कि उसमें registered medical practitioner का होना ज़रूरी है. लेकिन USA में हर जगह के different rules and regulations हैं. USA में it has been legalized के जो no doctor is required to perform an procedure of the miss abortion. ये जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है ये कोई भी बंदा जिसने ट्रेनिंग ली हुई है चाहे 3 महीने की 6 महीने की हमारे क्वालिफाइड सेंटर के अंदर और उसके पास एक सर्टिफिकेट है और उसने एक अप्रूव्ड सेंटर बनाया हुआ है या वो गवर्नमेंट का कोई सेंटर है तो वहाँ पे टर्मिनेशन की जा सकती है. सम स्टेट्स हैव स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड वेटिंग पीरियड्स. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट गोज टू दीज सेंटर्स और वहाँ पे जाके कहती हैं कि जी मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है पूरी और उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी, वो आखिर करवाना क्यों चाहती है. फिर डॉक्टर्स उसको इफ देयर इज नो जस्टिफाइबल रीजन सबसे पहले तो उसको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू कर लें और उसको टर्मिनेट ना करवाए. बट इफ शी इंसिस्ट्स और वो एक माइनर है तो उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको इन्वॉल्व करें और उनसे कॉन्सेंट लें और उसको जो है वो बताया जाए कि इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर माइनर्स टू गेट कॉन्सेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. मैंने अभी ये बात कर ली है कि इफ़ द पेशेंट और द गर्ल इज 18 ईयर्स से कम है तो डेफिनेटली the parents have to be informed, the parents have to be informed और उनसे consent लेनी पड़ती है. और again
कोर्ट अप्रूवल बिफोर एन अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म्ड. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हमारे FCPS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी रिपीटेडली, चूँकि बहुत से लोग MRCUG का जाके एग्ज़ाम भी देते हैं, तो ये पूछा जाता है कि इफ़ अ माइनर कम्स टू यू और वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहती है और आप उसे चाहते हैं कि द पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, लेकिन शी डजंट वॉन्ट द पेरेंट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, और वो नहीं चाहती कि आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, तो वट शुड यू डू? शुड यू गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जस्ट ऑन द डिमांड ऑफ द दैट गर्ल जो कि माइनर है, या फिर आप उसका एक अल्टरनेटिव क्या है कि यू कैन गो टू द कोर्ट और वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं, रिटर्न वहाँ से कॉन्सेंट ले सकते हैं कि इट इज बींग डन इन द गुड फेथ या गुड फेवर ऑफ द पेशेंट है और उसके और इन द फेवर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पेशेंट है, सो हमें इसकी परमिशन दे दी जाए, तो कोर्ट से भी आप परमिशन ले सकते हैं. रिलेटिव रिस्क, लीगल एबॉर्शन बाय क्वालिफाइड प्रोवाइडर वर्सेज इलीगल एबॉर्शन, सो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. हमने शुरू में भी जब इसका ओवरव्यू किया था हमने बात की थी कि एक क्वालिफाइड बंदे के और एक अनक्वालिफाइड पर्सन के टर्मिनेट करने में बहुत फर्क है, और मैंने ये बात भी की थी कि हमारे पास डेली सरकारी अस्पतालों में तो डेली आपके पास बेशुमार पेशेंट्स ऐसे आते हैं गायनी इमरजेंसीज में जो कि सेप्टिक इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा के आई होती हैं, कुछ तो घरों में मर जाती हैं, आती नहीं हॉस्पिटल तक, पहुंचती नहीं है, और जो टोटके करवाती रहती हैं हकीमों से और ये जो उनके अताई होते हैं उनसे, हकीमों से और ये जो डिस्पेंसर्स वगैरह होते हैं जिन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खोला था उनसे ट्रीटमेंट्स कराती रहती हैं, बुखारों के इलाज कराती रहती हैं और वहीं पर मर जाती हैं. जो रिपोर्ट होती भी हैं अगर वो हॉस्पिटल लेके आ भी जाएं तो वो उस कंडीशन में होती हैं जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच के होती हैं. दे हैव द सेप्टिसीमिया बिकॉज ऑफ दिस सेप्टिक इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसके वजह से सेप्टिक शॉक डेवलप हो जाता है, रीनल फेलियर और फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और DIC में चली जाती हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन डेवलप्स और उसके वजह से उनकी फिर डेथ हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों लोगों में, क्वालिफाइड पर्सन में और एक इलीगल एबॉर्शन करने वाले में, जो कि एक अनक्वालिफाइड पर्सन है उसके टर्मिनेट करने में बहुत फर्क है. सो दैट्स व्हाई कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं दे हैव लीगलाइज्ड इट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज जो सेप्टिक इंड्यूस्ड एबॉर्शंस हैं. रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम लीगल अर्ली एबॉर्शन इज 1 in 1 lakh. एंड व्हाट इज द रिस्क? अगर आप लीगली करा रहे हैं तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ कहते हैं कि 1 lakh में से एक खातून जो उसकी डेथ हो सकती है. रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम गिविंग बर्थ इज एट लीस्ट 10 times ग्रेटर देन दैट, और इफ शी कंटिन्यूज विद दिस प्रेगनेंसी तो चांसेस ऑफ डेथ जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द पर्प्यूरियम इज इससे 10 times ज्यादा है. ठीक है जी. नाउ वट आर द टाइप्स ऑफ एबॉर्शंस या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, कितनी तरह की हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, आप कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. वी हैव द मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन, देन वी हैव द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, देन वी हैव सर्जिकल सक्शन और वैक्यूम क्यूर अटैच कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है. डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं और लेबर इंड्यूसिंग एबॉर्शंस हैं. अच्छा जी, अब इनको डिफरेंट प्रोसीजर्स पे इसलिए डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशन. अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है जिस तरह के 3 weeks की प्रेगनेंसी है, अगर 3 weeks से इससे कम की प्रेगनेंसी है तो वी कैन यू दी मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन. एक बड़े साइज की सिरिंज होती है, हम उसको एक एस्पिरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, प्लंजर के साथ, और उसको यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द डायलेटेशन और एस्पिरेट कर लेते हैं कॉन्टेंट्स को. सो इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस मिनिमल होते हैं. वो जो सिरिंज होती है वो उसको सारे का सारा सक आउट कर देती है और उसमें जो है पोस्ट प्रोसीजर ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. पेशेंट के सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम हैं, बट स्टिल द फेलियर रेट ऑफ दिस प्रोसीजर इज स्टिल हाई, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि जो प्रेगनेंसी है वो डेफिनेटली एस्पिरेट हो जाएगी या नहीं होगी, बिकॉज द सैक इज सो स्मॉल एनाफ कि अगर आप एस्पिरेशन करने के बाद अल्ट्रासाउंड भी करके देखें या स्कैन भी करके देखें एब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल का वेजाइनलिन, तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वेदर द सैक हैज़ बीन एस्पिरेटेड और नॉट. सो इट कैन रिजल्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकती है आफ्टरवर्ड्स.
नाउ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी का मतलब है कि हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर यूज नहीं करते हैं, मेडिसिन देते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज नहीं करते. अब मेडिकल जो टर्मिनेशन है उसमें डिफरेंट वीक्स के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन और डिफरेंट डोजेज यूज की जाती हैं, डिफरेंट ड्रग कॉम्बिनेशन और डिफरेंट डोजेज यूज की जाती हैं. जिस तरह के 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक आप जो है वो कर सकते हैं, मिफेप्रिस्टोन को यूज कर सकते हैं. अच्छा जी बेटा, ये आपका उसका क्वेश्चन है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉर्टेंट, मिसकैरेजेस का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आपके इसमें से SCQs मस्ट आते हैं, MCQs भी बहुत ज़्यादा बनते हैं. आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें वो होता है कि जी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डिफरेंट टाइप ऑफ मिसकैरेजेस में. जब आपसे ये पूछा जाता है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एविटेबल या इनएविटेबल मिसकैरेज, आपको पता नहीं चलता. तो इसको गो थ्रू इट और इसको अपने जहन में बिठाएं, इसमें क्या फर्क क्या है, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. और फिर मिस्ड अबॉर्शन में और थ्रेटन्ड मिसकैरेज में क्या फर्क है, मिस्ड मिसकैरेज में और थ्रेटन्ड मिसकैरेज में क्या फर्क है, या थ्रेटन्ड मिसकैरेज में और कंप्लीट मिसकैरेज या इनएविटेबल जो मिसकैरेज है उसमें क्या फर्क है. तो इन तमाम जो मिसकैरेज हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग्स होंगी, ये आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली आपसे वाइवा में पूछते हैं, किसी को भी आ जाता है केस मिसकैरेज का, हमारे पास एग्जाम में भी हमने रखा होता है प्रॉफ में ज़रूर कि जी एग्जामिनर आपके पास आती है, जैसे ही आपसे पूछते हैं कि जी अब बताएं कि आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, अब आप इसका क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, टोटली ब्लैंक होते हैं आप. आप में से 90% लोग टोटली ब्लैंक होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना उसका. तो इसको थोड़ा सा प्लीज डिटेल से पढ़ें, नेट से भी पढ़ें, बुक्स में तो आपके लिखा ही हुआ है कि कितने वीक्स पे आप में कौन सा मेथड यूज करना है. आप कंजर्वेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप मेडिकल टर्मिनेशन भी यूज कर सकते हैं, सर्जिकल टर्मिनेशन भी यूज कर सकते हैं, बट विच ऑप्शन हैज टू बी chosen him, it has to be discussed with the patient and her partner. After discussing all the risks and benefits and explaining them all the advantages and disadvantages of all the procedures, aap jo decision hai, it has to be left to the parents. Un pe chhod dete hain ki jab aap faisla kar lein. Agar wo aap se poochte hain ki aap humne bataya what is in our best interest, to phir aap unko guide kar sakte hain ki ye procedures hain और हमारे ख्याल से आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है. मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन की मैंने आपको बात की है कि टिल द 3 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक हम कर सकते हैं व्हेन द प्रेगनेंसी इज वेरी स्मॉल और इट इज इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, आप उसको इजीली एस्पिरेट कर सकते हैं. मेडिकल टर्मिनेशन में हम मीजोप्रोस्टोल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग है, और मिफेप्रिस्टोन दैट इज द एंटी प्रोजेस्टेरोन RU486, एंटी प्रोजेस्टेरोन RU486 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. मिफेप्रिस्टोन RU486 आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस ड्रग है, इट हैज बीन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड. क्योंकि आप एक दिन पेशेंट आपके पास आती है, मिनिमम उसके 3 विजिट्स होते हैं, एक विजिट पे आप पूरा उसको असेस करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका काउंसिल करते हैं, सारे रिस्क्स एंड बेनिफिट्स बताए जाते हैं. नेक्स्ट विजिट पे आप उसको मिफेप्रिस्टोन दैट इज एंटी प्रोजेस्टेरोन RU486 विजाइनली रख देते हैं, ठीक है, घर भेज देते हैं, और फिर 48 आवर्स के बाद उसको बुलाते हैं और ओरली सबलिंगुअली या विजाइनली उसको मिजोप्रोस्टोल रख दी जाती है. ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअली या विजाइनली मिजोप्रोस्टोल दे दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, डिपेंडिंग अपॉन द बिशप स्कोर क्या है एंड ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन आप उसको डोज देते हैं. तो जितनी ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन ज्यादा होती है, मोर द हाई डोज ऑफ द ड्रग और मोर टाइम्स यू हैव टू गिव द ड्रग, ठीक है जी. आपको 4 आवरली ड्रग को रिपीट करना होता है, मैक्सिमम आप 3 या 5 डोजेस दे सकते हैं, और उसके बाद यू गिव द पेशेंट 24 आवर्स रेस्ट. कुछ लोग इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, मिजोप्रोस्टोल खाली भी दे सकते हैं आप, बिल्कुल एज सिंगल ड्रग दे दें, ओरली भी दे सकते हैं, सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, विजाइनली भी दे सकते हैं. ओरली देने का नुकसान ये होता है कि जी उसकी जो द ड्रग फर्स्ट अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म और इसकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होती है. जब एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है
तो एक तो ये है कि उसका इफेक्ट जो है बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है ड्रग की, और सेकंड बात ये है कि पेशेंट को सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाती है. एमिसोप्रोस्टल के जो साइड इफेक्ट है दैट इज द नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया. दैट इज द जीआईटी के साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो ये जीआईटी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. उसके बाद आप एक और कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एमिसोप्रोस्टल और मेथोट्रेक्सेट का. मेथोट्रेक्सेट इज बेसिकली एन एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि सेल्स की मल्टीप्लिकेशन को रोकती है. सिंस द ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स आर द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन प्रेगनेंसी, तो इस वजह से हम जो है वो उसको मेथोट्रेक्सेट देते हैं, बिकॉज जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं. तो इसमें भी इसका वही सेम रोल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज मेनी साइड इफेक्ट्स जिसके लिए पेशेंट को काउंसिल करना जरूरी है. फिर डायलिटेशन एंड वैक्यूम सक्शन और वैक्यूम क्यों अटैच कर सकते हैं. इफ द प्रेगनेंसी इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन की है तो उसमें आप क्या करते हैं कि मतलब अगर 12 वीक्स हैं, 12 वीक्स से कम है, तो आप डायरेक्ट उसकी डायलिटेशन करते हैं और इवैक्यूएशन कर सकते हैं, या फिर डायलिटेशन करके सक्शन कर सकते हैं. सक्शन इज ए मोर प्रेफरेबल प्रोसीजर, क्योंकि सक्शन का जो आगे से नोजल होता है वो एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता. उसका नोजल आगे से ब्लंट होता है, इसलिए यूट्रस के परफोरेशन के चांसेस कम होते हैं, और डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन जो है इसमें आपको क्यूरेटाज करना पड़ता है. क्यूरेटाज के शार्प एंड्स होते हैं जिससे परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. फिर है जो लेबर इंड्यूसिंग अबॉर्शन. लेबर इंड्यूसिंग अबॉर्शन का मतलब है कि इफ़ द पेशेंट जो है द प्रेगनेंसी इज 13 वीक्स और 14 वीक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेबर इंड्यूसिंग अबॉर्शन कर सकते हैं. लेबर इंड्यूसिंग अबॉर्शंस के लिए हम जो है 14 वीक्स है या 14 वीक्स से अगर ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं. हम उसमें डायरेक्टली सर्जिकल टर्मिनेशन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेबी इज़ वेल फॉर्म्ड. आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा इतना बड़ा 14 वीक्स का बच्चा जो कि पूरा एक फुल बॉर्न फुली फॉर्म्ड बेबी होता है उसको आप पीस मिल करके निकालिए. अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमने वो सीन देखा हुआ है कि बच्चा जो है वो कभी दाइयाँ जो है वो अंदर उसमें इंस्ट्रूमेंट मार मार के बच्चा जो है उसको बिल्कुल पीस मील हो गया होता है लेकिन उनसे निकल नहीं रहा होता, और जब आप उसमें निकालने की कोशिश करते हैं तो कभी बच्चे का छोटा सा एक सर आ रहा होता है. मैंने अपनी ट्रेनिंग में ऐसे 2-3 केसेस देखे, और बच्चे का फिर एक हाथ आ गया, फिर एक बाजू आ गया, फिर एक टांग आ गई, तो दैट्स हॉरिबल टू वॉच. तो इस वजह से अगर 14 वीक्स की प्रेगनेंसी है उससे ज़्यादा, तो हम सबसे पहले पेशेंट को एक्सपेल कराते हैं. एक्सपेल कराने का मतलब है कि हम उसको ड्रग्स दे के, प्रोस्टाग्लैंडिन वाली जो ड्रग्स हैं उनको दे के डायलिटेशन करवाते हैं, सर्विक्स की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं सो दैट द बेबी इज एक्सपेल्ड. और एक्सपेल करने के बाद फिर हम वी डू द अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड वी लुक फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन, रेमिनेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन. और अगर वहाँ पे कोई रेमिनेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह गए हुए हैं तब फिर आप उसका क्यूरेटाज कर देते हैं इन दैट केस. और अगर कंप्लीट वैक्यूएशन होगी और एक्सपल्शन होगी तो फिर उसमें क्यूरेटाज की जरूरत नहीं होती है. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस प्रोसीजर्स वन बाय वन और डिटेल में इनसे बात कर लेते हैं. मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन की हमने पहले से बात कर ली है कि डन फ्रॉम 1 to 3 वीक्स आफ्टर अ मिस्ड पीरियड, कि हम मिस्ड पीरियड के बाद इसको 1 to 3 वीक्स तक कर सकते हैं. मैंने बताया था कि अर्ली प्रेगनेंसी में इसको करना आसान है, सिरिंज के साथ आप इजीली एस्पिरेट कर सकते हैं. थोड़ी सी एक बड़ी साइज की सिरिंज होती है जिसमें आप एमवीए भी कह सकते हैं, या 20cc की सिरिंज कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं जिसके आगे बड़ा सा नोजल लगा लेते हैं एंड द नीडल इज रिमूव्ड. सिरिंज इज यूज्ड टू रिमूव द प्रेगनेंसी फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. सिरिंज इज यूज्ड टू रिमूव द प्रेगनेंसी फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. इट कैरीज द लीस्ट रिस्क बिकॉज इट्स डन अर्ली व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर स्मॉल, 1 to 3 वीक्स के दरमियान है, और मिनिमल ब्लीडिंग आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी, और उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ये है जी सिरिंज, जिसके आगे ये देखें कि ये नीडल उतारी हुई है और ये मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर का ये वाला प्लंजर होता है. प्लंजर को आप पीछे की जब ड्रॉ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. सबसे पहले वाला लॉक होता है, आप इस लॉक को बंद करते हैं. आगे भी एक बड़ा सा इसका बना होता है जो उसमें नहीं दिखाया हुआ पिक्चर में, एक नोजल पूरी बनी होती है.
और इसको लॉक करके फिर आप पीछे से प्लंजर को पुल करते हैं, तो अंदर बहुत अच्छा सेक्शन क्रिएट हो जाती है और फिर आप अंदर एक कैनूला लगा के ये डायरेक्ट इसी के साथ सक्शन कर सकते हैं इसको सर्विक्स की उसके ऊपर इंटरनल ऑस पे रखिए। मेडिकल एबॉर्शन की हमने बात की, जो मेडिकल एबॉर्शन इज डन विद द ड्रग्स मस्ट बी डन बिफोर 9 weeks must be done before 9 weeks and no surgery required but does involve several office visits. 4 types hain. सबसे पहले पेशेंट वही आपके पास ये फर्स्ट टाइम जिसमें आप हिस्ट्री लेते हैं, उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, काउंसिल करते हैं उसको, नेक्स्ट विजिट पे आप उसको बुलाते हैं और उसको फिर वो ड्रग दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे बुलाते हैं फिर उसको मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। मिफेप्रिस्टोन RU486 एंड मिसोप्रोस्टोल ओरल पिल्स हैं, मिफेप्रिस्टोन पिल्स एंड विजाइनल मिसोप्रोस्टोल। ठीक है जी, मैंने बताया है कि मिफेप्रिस्टोन जो है सबसे पहले पेशेंट को आप बुलाते हैं, विजाइनली इंसर्ट करते हैं और 2 tablets और उसके बाद वी सेंड द पेशेंट होम और उसको 48 आवर्स के बाद बुलाते हैं। बेसिकली जो रोल है इस मिफेप्रिस्टोन का एंटी प्रोजेस्टेरोन RU486 का, इट कॉजेज द राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स बिकम्स वेरी मच सॉफ्ट और इफेस्ड। जब सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है तो फिर आप उस पर एक्शन करते हैं मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल इट इज PGE1 का एनालॉग है which induces a uterine contractions, तो पहले सर्वाइकल राइपनिंग हुई होती है, सॉफ्टनिंग हुई होती है, उसके ऊपर हम उसको मिसोप्रोस्टोल दे देते हैं जिससे कॉन्ट्रेक्शन डेवलप होती है और बच्चा इजिली एक्सपेल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मिफेप्रिस्टोन पिल्स एंड विजाइनल मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। ठीक है जी, उसी तरह आप मिफेप्रिस्टोन विजाइनली इंसर्ट करते हैं और ओरल की बजाय विजाइनल मिसोप्रोस्टोल भी दे सकते हैं। हाँ जी, मैं आपसे तो पहले बात कर रही थी कि जब आप ओरल मिसोप्रोस्टोल देते हैं तो उसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कम होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से और उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इन टू दी इन द लिवर में, तो उसकी मेटाबॉलिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर लेकिन अगर आप विजाइनली देते हैं, विजाइनल एब्जॉर्प्शन ड्रग की बहुत अच्छी होती है और साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं, दे आर मिनिमल साइड इफेक्ट्स, दे आर नो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, मिनिमम अगर होम भी तो बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, लो ग्रेड बहुत सब हल्का सा बिल्कुल फीवर होता है लेकिन नॉजिया वोमिटिंग डायरिया के इंसिडेंस बहुत कम है और इसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी, तो ये 2 चीज़ें आप बेहतर अचीव कर सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है, हम इसको सब लिंगुअल भी मिसोप्रोस्टोल देते हैं। इन आवर ट्रेनिंग वी यूज टू गिव सबलिंगुअल, सबलिंगुअल के जो है वो मिरेकुलस किस्म के इफेक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है, इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है अच्छी होती है, बायो अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई। साइड इफेक्ट उसका ये है कि चूंकि सारी की सारी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से ड्रग ओवरडोजेज हो जाती है सबलिंगुअल देने से, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लो डोज देते हैं फिर अगर सबलिंगुअल देनी हो तो, और या फिर हम विजाइनल मिसोप्रोस्टोल अकेली भी दे सकते हैं PGE1 का जो एनालॉग है। नाउ द मिफेप्रिस्टोन RU486 एंड मिसोप्रोस्टोल पिल्स हैं, इनका क्या करें, ये चीज आपने उसी तरह देनी है। मोस्ट कॉमन यूज मेथड ऑफ मेडिकल अबॉर्शन मस्ट बी डन विद इन 7 weeks ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द LMP। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अगर आपने कैलकुलेट किया है 49 days 7 weeks बनते हैं, तो आप ये दोनों पिल्स को यूज कर सकते हैं। कंबाइंड रिक्वायर्ड 3 office visits हैं, वही वाला जिसमें फर्स्ट विजिट में आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, काउंसिल करते हैं, सेकंड विजिट में बनाते हैं मिफेप्रिस्टोन को इंसर्ट करते हैं और फिर थर्ड विजिट में आप उसका मिसोप्रोस्टोल दे देते हैं। RU486 ब्लॉक सेक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, मैंने रिपीटेडली बताया कि इट इज एन एंटी प्रोजेस्टेरोन है, तो ये सर्विक्स की राइपनिंग करती है। मिसोप्रोस्टोल और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेस द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल द एम्ब्रियो। वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि पहले सर्वाइकल राइपनिंग होती है, सॉफ्टनिंग होती है विद द RU486 से, उसके बाद मिसोप्रोस्टोल होता है व्हिच इंड्यूसेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। RU486 एंड मिसोप्रोस्टोल पिल्स, फर्स्ट विजिट टेक RU486, सेकेंड विजिट पे टेक मिसोप्रोस्टोल, थर्ड विजिट पे 2 weeks लेटर अगर इससे एक्सपल्जन नहीं होती है, आप पेशेंट को घर भेज सकते हैं कि जो खुद ही एक्सपल्जन हो जाएगी इससे और कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा नहीं होती तो वेल एंड गुड यू स्टे एट होम, और आप 2 weeks के बाद फॉलोअप के लिए आ सकते हैं जिसमें उसका पेशेंट का स्कैन किया जाता है अल्ट्रासाउंड करके, उसको मेक श्योर कि वेदर द प्रेगनेंसी हैज बीन एक्सपेल्ड कम्प्लीटली और नॉट, और अगर उसको कहते हैं कि जी पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि इफ़ शी ब्लीड प्रोफ्यूजली या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है
और इफ शी फील सीवियर पेन तो शी कैन रिपोर्ट बैक टू द हॉस्पिटल या क्लिनिक पे वापस आके रिपोर्ट करें. सो थर्ड विजिट उसको 2 वीक्स लेटर टू मेक श्योर एबॉर्शन इज कम्प्लीट एंड पेशेंट हैज रिकवर्ड. यूजली इट इज वेरी इफेक्टिव but if incomplete, surgical completion is necessary. When you are going for the medical termination of the pregnancy, patient ko hamesha counsel kiya jata hai ki if the medical termination is not successful, we might have to opt for the surgical termination. Aur phir us case mein aapko anesthesia pe milega aur anesthesia ke baad phir aapko termination pregnancy ki karni padegi. To uske liye mentally prepare hain. मस्ट बी परफॉर्म आर यू फॉर इट. इसके विजाइनल मेसोपॉस्टल की बात कर रहे थे, ये 9 वीक्स तक कर सकते हैं. जो ओरल मेसोपॉस्टल था हमने कहा था जी वो 7 वीक्स तक आप कर सकते हैं. विजाइनल अगर देना है तो 9 वीक्स एट 63 डेज ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी कर सकते हैं. यूज द सेम ड्रग्स एज अ फर्स्ट मेथड बट इन डिफरेंट डोजेस. द विजाइनल मेसोपॉस्टल कैन बी इंसर्टेड एट होम. बहुत छोटी छोटी सी टैबलेट्स होती हैं, रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आप पेशेंट को बता देते हैं कि आप आसान से घर में खुद रख सकती हैं विजाइनली. फास्टर, कॉस्ट लेस, ठीक है जी, बहुत चीप ड्रग है, इजिली अवेलेबल है, डिफरेंट नेम्स के साथ, हैज फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, बट वुमेन मस्ट बी कंफर्टेबल विद प्लेसिंग द मेडिकेशन विजाइनली. विजाइनली मैंने आपको बताया कि जी जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं. मेथोट्रेक्सन विजाइनल मेसोपॉस्टल मस्ट बी परफॉर्म विद इन 7 वीक्स ऑफ द फर्स्ट एलएमपी. मेथोट्रेक्सन इज एन एंटी कैंसरस ड्रग, इज वेरी इफेक्टिव बट मे टेक अप टू 4 वीक्स फॉर द एबॉर्शन टू अकर. Methotrexate is given intramuscular at office. Mesoprostol is placed vaginally by woman at home. Usually ultrasound is done to confirm abortion. वही वाली बातें हैं जो पीछे हैं. Vaginal mesoprostol alone आप अकेली भी दे सकते हैं. Must be performed within 8 weeks of the first day of the LMD. That is a 56 days. Usually more severe side effects हैं. Nausea, vomiting, fever, chills. Less effective than the previous 3 methods. Suction or vacuum curettage is a surgical method and most common type of abortion. Pregnancy products of conception, POCs means products of conception, are removed by a suction device. So, main aage aapko dikhati hu, that is inserted into the uterus. Can be done up to 12 weeks but not before 7 weeks. 10 weeks se pehle nahi kar sakte aap suction evacuation aur 12 weeks ke baad nahi kar sakte, jiski reason maine aapko bataya hai ki the baby is large enough ki aap usko se suck nahi kar sakte hain. Cervix is anesthetized with lidocaine. The lidocaine is a local anesthetic. आप 3, 5, or 9 o'clock, 7 o'clock position पे लगा सकते हैं local anesthetic को cervix में. This is called the paracervical block. Sedative may be given or rarely general anesthesia is used. Cervix is dilated at the time of procedure or can be dilated overnight with laminaria or misoprostol. Cervix is dilated at time of procedure or can be dilated overnight. With laminaria or misoprostol, suction evacuation के करने से पहले 4 घंटे पहले आप कम से कम या 2 घंटे पहले भी प्लेस मिसोप्रोस्टल 4 गोलियां इसकी 200 माइक्रोग्राम्स की एक टैबलेट होती है. तो हम 800 माइक्रोग्राम्स जैसे 4 टैबलेट्स हम विजाइनली इंसर्ट कर देते हैं टू कॉज द सॉफ्टिंग ऑफ द सर्विक्स, ताकि हम जब उसकी डायलिटेशन करें तो सर्विक्स को डैमेज बहुत ज्यादा ना हो. एंड द सर्विक्स डायलेटेड द टाइम ऑफ प्रोसीजर और कैन बी डायलेटेड ओवरनाइट विद लेमिनेरिया और मिसोप्रोस्टल. लेमिनेरिया टैंक्स जो दीज आर द वाटर एब्जॉर्बिंग टैंक्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से टैंक्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं. वी कैन पुट इट इन द वजाइना और अंडर द इफेक्ट ऑफ द इम्बाइबिंग इफेक्ट की वजह से ये फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. और जैसे जैसे ये सर्विक्स के अंदर चूंकि हमने इंसर्ट किए होते हैं ये स्वेल होते हैं, तो ये साथ सर्विक्स की डायलिटेशन कर देते हैं. दिस इज द सक्शन और वैक्यूम क्यूरेटाज मशीन है. ये जो पूरी वैक्यूम क्यूरेटिंग मशीन है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ये जो कैनुला है इनके हाथ में, दैट इज द सक्शन कैनुला. आप इस पूरी मशीन का जो पाइप है इसके साथ सक्शन कैनुला अटैच करते हैं, मशीन को चला देते हैं, सक्शन क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और फिर उसको सर्विक्स के अंदर डायलिटेशन करके इंसर्ट कर देते हैं. क्यूरेटाज, वंस सक्शन प्रोसीजर इज कंप्लीट, अ शार्प क्यूरेटाज ऑफ द एंडोमेट्रियम इज डन to ensure that all the products of conception have been removed and that the endometrium is smooth and without residual tissue. Done to reduce incidence of infection. Risk is uterine perforation. ठीक है, done to reduce incidence of infection and risk is uterine perforation, because if any products of conception will remain there in the uterus, so it is a very good culture medium for bacteria. Bacteria rapidly multiply करते हैं और ये patient आपके पास post abortion जो है वो fever के साथ और इन्फेक्शन के साथ आ सकती है.
dilatation and evacuation used when abortion is desired after 12 weeks ke baad, cervix must be dilated and stronger. Suction vacuum pressure is used to remove products of conception. More cramping and bleeding, dilatation and evacuation se zyada hoti hai. Risks bhi zyada hai, cervix ka damage ho sakta hai, uterus ka perforation ho sakti hai, bladder ko damage ho sakta hai. Usually done in hospital setting with the use of general anesthesia and antibiotics usually given to reduce incidence of infection. Labor inducing abortion, if pregnancy is more than 16 weeks se zyada hai, may use agents such as misoprostol use kar sakte hain 400 micrograms every 4 hours. Do tablets orally or vaginally or sublingually every 4 hours sakte hain per vagina or oxytocin through an IV line to induce contractions and expel contents of uterus. Acha beta ye baat yaad rakhein ki jo itni early pregnancy hoti hai, the number of the oxytocin receptors on uterus are very low. So we have to use a very 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 high dose of the oxytocin to induce uterine contractions to expel the products of conception. It's just say this is not a preferable method. Oxytocin to use karna hai drip iski, it is not a preferable method. Hum jab kar lete hain surgical vacation, hum uske baad ek drip usko oxytocin ke laga sakte hain to cause the contraction of the uterus or bleeding kam ho usko stop karne ke liye. लेकिन जो है ये वाला जो मिसोप्रोस्टोल वजानली ये हम कर सकते हैं, इसको हम रखते हैं 4 आवर ही रखते जाते हैं, 5 डोजेस रखते हैं टिल द एक्सपल्शन इज डन. मोस्ट ऑफन यूज्ड इफ द फीटस इज डिटरमिन्ड टू बी नॉन कंपैटिबल विद लाइफ और इफ इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस हैज अकर्ड. ठीक है जी, इन तमाम केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं इवन आफ्टर द 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इफ द बेबी इज एबनॉर्मल और आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हैं या बिकॉज ऑफ द सीवियर आईयूजीआर है, पेशेंट इज हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है एंड यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी और मेटर्नल जो है कंडीशन डिटीरियोरेट करती जा रही है, तो उस केस में भी आप जो है वो या आईयूडी हो गया है तो उस केस में भी हम मिसोप्रोस्टोल को वजानली यूज करते हैं और 4 आवरली इसको करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो मेरा पीआईडी का लेक्चर होगा आपके साथ ईद के बाद, तो इसको थोड़ा सा एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपके जो मैं लेक्चर देरी होती है तो आपके थोड़ा सा समझना उसको ईजी हो जाता है. तो थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.